हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की सबसे पहली लेयर होती है होराइजन ए, या जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। अब इसके पॉइंट्स को देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है इट इज विजिबल, ये हमें दिखाई देती है। एक सिंपल डेफिनेशन में समझ लीजिए, ऐसी सॉइल जिसमें हम चलते हैं और जिसको हम देख सकते हैं उसे टॉप सॉइल कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है इट कंटेन्स ह्यूमस एंड मिनरल्स, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या हुआ? ह्यूमस मतलब ऐसी चीज जो कभी लिविंग थी पर अब डेड है, इसे ह्यूमस कहते हैं। और टॉप सॉइल में मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है इट हैज अ सॉफ्ट टेक्सचर एंड कैन रिटेन वाटर इजली। कहने का मतलब है कि जो यार टॉप सॉइल का टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है। एंड कैन रिटेन वाटर इजली, इसका मतलब है कि ये टॉप सॉइल वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है, सोख सकती है। हमारा अगला पॉइंट है प्लांट्स रूट ग्रो इन टॉप सॉइल। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो टॉप सॉइल में ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका टेक्सचर स्मूथ है, सॉफ्ट है, जिससे रूट्स नीचे तक का जा सकती हैं। एंड कैन रिटेन वाटर इजली, मतलब पानी को सोख सकती है टॉप सॉइल, तो उसमें पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और इसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन दिस सॉइल। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सॉइल में रहते हैं, जैसे वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, बीटल्स एक्सेट्रा। हमारा आखिरी पॉइंट है इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमस। जो ये वाली टॉप सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। किसकी वजह से? ह्यूमस की वजह से। अब ह्यूमस के पास न्यूट्रिएंट्स कैसे आए? जैसे मैंने पहले ह्यूमस की डेफिनेशन बताई थी, ऐसी चीज जो कभी लिविंग है पर अब डेड है, और हमें जीने के लिए क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब उस ऑर्गेनिज्म में भी कभी न्यूट्रिएंट्स होंगे। जब वो डेड हो गया तो सॉइल में वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब डिकम्पोज होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के जो सारे न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में आ जाएंगे, जिससे टॉप सॉइल बहुत ही न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।